अकबर उद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर की बोनाल की सबसे मशहूर मंदिर लाल दरवाजे की मंदिर के लिए चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी कर, कर दस करोड़ रुपया मंजूर करवा कर लाया अफजलगंज की मस्जिद के लिए भी लाया उसके साथ इस मंदिर के लिए भी लाया अरे हम हम किसी के साथ हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते दारुस सलाम के दरवाजे सबके लिए खुले हैं हिंदू भी आ सकता है सिख भी आ सकता है ईसाई भी आ सकता है पारसी भी आ सकता है मुसलमान तो आते ही हैं हर एक के लिए है मगर यह जरूर कहना चाहता हूं हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है हिंदुस्तान किसी एक का नहीं है हिंदुस्तान पर माथे पर तिलक लगाने वाले का जितना हक है सर पे टोपी पहनकर सुन्नत पालने वाले का भी उतना ही हक हिंदुस्तान पर है सर पे पगड़ी बांधने वाले सिख का भी उतना ही हक है गले में सलीब पहनने वाले का भी उतना ही हक है इस मुल्क पर यह मुल्क किसी एक का नहीं यह मुल्क हिंदू का, 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 का है मुसलमान का है सिख का है ईसाई का है पारसी का है सबका है हर मजहब के मानने वालों का है यह मुल्क भगवान को मानने वालों का भी है अल्लाह को, को मानने वालों का भी है खुदा को मानने वालों का भी है खुदा को नहीं मानने वालों का भी है हर किसी का है और आज अगर मैं अपने हक के लिए लड़ता हूं तो इनका बुरा दिखता है अरे याद रखो मेरे प्यारे भाइयों याद रखो कानून चौराहों पर बाजारों में गलियों में ऐसे जलसों में नहीं बनते कानून बनते हैं ऐवान तो ए पार्लियामेंट में बनते हैं ऐवान असंबली में बनते हैं ऐवान बल्दिया में बनते हैं और अगर हमारे नुमाइंदे ऐवानों में नहीं होंगे तो फिर हम कैसे उस कानून पर लड़ेंगे जिस पर हम समझते हैं कि यह कानून गलत है यह कानून सही नहीं यह कानून ऐसे नहीं होना चाहिए अगर आप रहेंगे ऐवान में तो बोल सकेंगे और जमहूरियत में याद रखो अपने नुमाइंदों की मौजूदगी से ताकत का अंदाजा होता अगर हमारे नुमाइंदे नहीं तो फिर ताकत नहीं होती खुदा इस बात को समझाओ हालात को देखो आज क्या हालात हैं कांग्रेस का हाल भी क्या है अब मुझसे बेहतर आप जानते हैं राजस्थान में एमएलए भाग गए मध्य प्रदेश में एमएलए भाग गए कर्नाटक में एमएलए भाग गए अगर कोई हां भूल गया तेलंगाना में भी भागे ना यहां भी भागे आप बोलो वो कांग्रेस जो आवाम के वोट लेकर उनके वोट की हिफाजत नहीं कर सकती उनको वोट देना अकलमंदी है क्या आप कोई भरोसा नहीं है आप वोट देंगे जीतेंगे नहीं मालूम किसकी गोद में जाके बैठ जाएंगे यही हाल हो रहा है हर जगह यही हाल है और फिर इल्जाम मजलिस 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 ऐसा मजलिस वैसा अरे बाबा तुम में वो ताकत नहीं रही मुकाबला करने की मुकाबला करने की तो हम पर इल्जाम क्यों अरे आप बढ़ो आगे मुकाबला करो किसने रोका लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा मेरे भाई अब ये सामने रॉयल हेयर स्टाइल उसके बाजू स्टाइल लेडीज टेलर दो सही है ना और ये अल प्रिंस जनरल स्टोर मैं एक मिसाल दे रहा हूं अब जनरल स्टोर चलाना जनरल स्टोर वालों को मालूम सही है या नहीं लेडीज टेलर को मालूम कि लेडीज की कटिंग कैसा है सीना कैसा अच्छा करना उनको मालूम यह हेयर स्टाइल है इनको मालूम कैसा बाल काटना कैसा स्टाइल करना अब अगर हेयर स्टाइल करने वाला रॉयल हेयर स्टाइल बोलेंगे नहीं लेडीज के कपड़े मैं सीता हूं तो वहां बैठी है लेडीज बताइए क्या हजाम सही सी सकता है कपड़े अब आप छोड़ो अब उसके बाद में लेडीज टेलर बोलेंगे नहीं बाल मैं काटूंगा तो अब टेलर बाल अच्छे काटेगा या फिर हजाम काटेगा जनरल स्टोर वैसी है मेरे भाई सियासत सियासतदान को करने दो सनत सनतकार को चलाने दो कारोबार बिजनेसमैन को चलाने दो सहाफत सहाफी को करने दो तिजारत ताजर को करने दो वकालत वकील को करने दो डॉक्टरी डॉक्टर दाक्तर को करने दो हमारा हिसाब ऐसा हो गया शाम होते ही चबूतरे पे बैठते और पूरे उस पर तबसेरा मैं ऐसा नहीं करना था वैसा नहीं करना था वहां क्यों गए वहां से क्यों लड़े अरे हमारा काम हम करेंगे आपका काम आप करो गलत है क्या बोलो आप मेरी बात जिसका काम उन्हें जाने ना मगर हमारा अजीब मिजाज है नहीं मैं सहाफी हूं मैं बिजनेस में कामयाब हूं जनरल स्टोर एक खोला था अब चार हो गए दर्जी की एक दुकान थी अब दस हो गए तो लिहाजा अब मैं दर्जी से हटके सियासत पे तब्सरा करूंगा किस पे कर रहा बाबा मंडलिस पे करूंगा असदुद्दीन ओवैसी पे करूंगा अकबर ओवैसी पे करूंगा नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना था वैसा नहीं वैसा करना था वहां क्यों गए यहां क्यों गए अरे भाई सियासी जमात सियासत में हिस्सा नहीं लेगी तो क्या एनजीओ की जमात है आप बोलो इंतकाब नहीं लड़ू जमूरियत को मजबूत ना करूं जमूरियत का हिस्सा ना बनूं, अरे जमूरियत का हिस्सा बना हूं तो इसलिए आहान व्यक्ति तो हर कोई डरता है मिनिस्टर छिट्टी देते हैं अकबर भाई रहम करो सवाल मत करो अगर खतरनाक तकरीर है तो बोलते भाई माफ कर दो जरा कम कर दो क्यों अरे ताकत है और ये सर अकबरुद्दीन अवैसी का सर नहीं है ये सर आपका सर है इसमें इज्जत आपकी है इसमें गुरूर आपका है अगर यह सर झुकेगा तो मेरे भाइयों के झुकने के बराबर है यह सर कट जाएगा लेकिन अल्लाह उसके रसूल की खत्म कभी किसी के सामने नहीं झुकेगा सिवाय अल्लाह के क्योंकि सर अब मेरा नहीं रहा यह सीना मेरा नहीं यह सीना मेरे भाइयों का सीना है यह कभी दबेगा नहीं ये बड़े ताब के साथ आपके साथ ऐसे चौड़े रहकर दुश्मन से आंख में आंख मिलाकर बात करेगा क्योंकि यह आपका सर है यह आपकी इज्जत है आपका व्यवहार है आपकी शान है आपकी शौकत है आपकी अजमत है हम आपकी अजमत के साथ सौदा नहीं कर सकते हम आपकी शान को नीचा नहीं झुका सकते बहरहाल वक्त और हालात को समझिए एरा गड्डा से भी मंजलिस के उम्मीदवार हैं और रहमत नगर से भी मंजलिस के उम्मीदवार हैं इनका निशान पतंग है बहरहाल मंजलिस इतिहाद मुसलमिन मेरी जमात नहीं है सिर्फ मेरे भाई यह आपकी भी जमात है इस जमात को आपने हमने मिलकर बनाया है मैंने अकेले नहीं बनाया और एर्रा गड्ढे से मेरी बहुत पुरानी मोहब्बत है निजबत है कहूंगा नौजवानों को नहीं मालूम मैं एमएलए बनने से पहले एर्रा गड्ढे में आके बैठता था शाम में बैठता था घंटों बैठता था फिरता था और एर्रा गड्ढा मेरे लिए नया नहीं है यह अलग बात है कि सेहत की वजह से मसरूफियत की वजह से जिम्मेदारी की वजह से नहीं आ पा रहा हूं लेकिन यह जरूर कहूंगा आधी रात को बुलाओ अकबरुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में रहेगा ये ना समझे कि आपने मुझे वोट नहीं दिया मैं आपका एमएलए नहीं अरे अगर किसी ने वोट नहीं दिया है तो उसने हाथ उठाकर दुआ की अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए जितना वोट देने वाले का हक हाँ है उतना ही हक हाँ। अकबरुद्दीन ओवैसी पर हाथ उठाकर दुआ करने वाले का भी है मजलिस आपकी जमात है मजलिस का निशान पतंग है बेहतरीन कन्ने तो सालार डाले थे इस पतंग को सही है ना सालार के डाले हुए कन्नों की पतंग है फैला दिए असद साहब मां अकबर साहब सूद दिए हाथ में डोर है बस झुकाना है और बस खींचना है दबा के पंजे को भी साफ कवल को भी साफ और गाड़ी को भी भा, 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 वो भी रुक जाती है इंशाल्लाह पतंग 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 रहना है आसमान में इनशाला जीत के जश्न में इंशाला आऊंगा और बाकी तकरीर करूंगा और चाय वालों के बारे में भी बोलूंगा वालेकुम खुदा पे